हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में कुछ वैकेंसीज निकली है अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर 1 ईयर 2020-21, टेक्नीशियन और ग्रेजुएट। जो टेक्नीशियन है वो है डिप्लोमा वालों के लिए और जो ग्रेजुएट है वो है बीटेक वालों के लिए। आपको ये एडवर्टाइजमेंट मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की वेबसाइट पे मिल जाएगा। आपको जाना है पहले मीडिया में, देन वैकेंसी, और उसमें एडवर्टाइजमेंट में पहला ही लिंक है। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में ये ऑलरेडी पुटअप कर दिया है, तो आपको सिर्फ क्लिक करना है और पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इससे पहले कि आपको मेन नोटिफिकेशन की ओर लेके चलूँ, ये ऑफलाइन भरना है, तो फॉर्म भी आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके, तो जाके आप फॉर्म की प्रिंट निकाल के उसको भर सकते हो, लेकिन इसका जो प्रोसीजर है अप्लाई करने का वो थोड़ा अलग है, वो मैं आपको पहले बताता हूँ। आपको डायरेक्टली फॉर्म फिलअप नहीं करना है, उससे पहले कुछ और जगह पे एनरोल करना है, वो भी आपको मैं बताता हूँ। तो चलते हैं अभी रिक्रूटमेंट की ओर। ये है उसका कंप्लीट रिक्रूटमेंट, जैसे मैंने बोला ऑफलाइन ही अप्लाई करना है, और इसमें जो जगह है वो है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए। तो जिनका ग्रेजुएशन यानी कि डिग्री इन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल हुआ है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए, जो 2 और 3 वैकेंसीज है 12 महीनों का, मतलब सिंपली फॉर 1 ईयर आपका अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग होगा। इसका स्टाइपेंड 9,000 है। उसके बाद जो डिप्लोमा है, डिप्लोमा बेसिस पे है, यहाँ पे तीन तीन वैकेंसी दोनों मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए 8,000 आपको मिलेगा स्टाइपेंड। एज क्राइटेरिया यहाँ पे मिनिमम 14 है। खैर, 14 तो वैसे अगर डिप्लोमा और डिग्री हुआ है तो 14 तो हो नहीं सकता है, लेकिन मिनिमम इन्होंने दिया है 14। और एक बात, देर इज नो अपर एज लिमिट। आप फॉर्म भर सकते हो, आपका एज कितना भी हो, लेकिन आपका 14 से ज्यादा चाहिए। 14 से 18 अगर आपका एज है, आपने अप्लाई किया, तो आपका जो गार्डियन है वो उसको उसके नाम से ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो खैर, ये तो बहुत मुश्किल है कि 14 से 18, क्योंकि वहां पे डिप्लोमा और डिग्री पूछा है, तो इतने कम एज में तो नहीं होगा। तो खैर, नेक्स्ट, यस, एप्लीकेंट्स हु हैव ऑलरेडी अंडरगो, अगर आपका ऑलरेडी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग हुआ है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद द एप्लीकेंट शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 3 ईयर्स आफ्टर पासिंग ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन ऑन 1/6/2021। उसके बाद में रिजर्वेशन एज पर दी MPBT। सो अवेलेबिलिटी ऑफ द फॉर्म, ओके, वो तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे भरना है। इसका जो फॉर्म का है, आपको भरने हैं 100 रुपीज फीस। ओके, आपको कैसे भरनी है वो NEFT से डायरेक्टली। यहाँ पे पूरा बैंक डिटेल्स दिया है। ओके, वेरीफाइड बैंक डिटेल से पूरा आपको करना है NEFT 100 रुपए का। ओके, इसके जो फॉर्म है वो है 29 से लेके 27 अगस्त तक। तो ऑलरेडी फॉर्म इसके आप फिलअप करके भेज सकते हो। और ऑफलाइन भरना है तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, आपको 27 तक अगर आपका फॉर्म पहुंचना है 27 से पहले, तो आपको थोड़ा पहले ही सेंड करना है। यस, एप्लीकेशन फीस इन एनी अदर मोड एक्सेप्टेड नहीं है, तो आपको क्या करना है, NEFT ही करना है। ओके, हाउ टू अप्लाई, अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। आपको सबसे पहले एक चीज ऑनलाइन अप्लाई करनी है, वो है नेट्स, जो नेशनल अप्रेंटिसशिप जो ट्रेनिंग स्कीम है, वेबसाइट, ओके, जो है MHRDNATS.GOV.IN। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो आपको, अगर आपने इसमें एनरोल नहीं किया है, आपको पहले जाके ये साइट पे एनरोल करना है। ये है उसकी साइट, ओके, कंप्लीट साइट फॉर दी नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। आपको यहाँ पे जाके एनरोल करना है। ओके, उसके बाद आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है। ओके, ध्यान से, तो पहले आप एनरोल करोगे, सारे डिटेल्स उसमें डालोगे, ये डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है लिंक, आपको सीधा जाके उसमें एनरोल करना है। उसके बाद में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एनरोलमेंट आईडी। ओके, तो वो बहुत जरूरी है, जो भी आपको एनरोलमेंट आईडी मिलेगा। ओके, तो उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको फॉर्म की प्रिंट निकालनी है जो अवेलेबल है इसी नोटिफिकेशन में। ओके, और आपको कहाँ भेजना है, आप हैंड डिलीवरी भी कर सकते हो या फिर आप पोस्ट भी कर सकते हो। आपको भेजना है ये मुंबई में, माजगांव में, ईस्ट। ओके, सो अलोंग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट भी मैं आपको पूरा बताता हूँ। ओके, तो आपको कितने डेट से पहले भेजना है, 27 अगस्त से पहले। ओके, इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसा है, ओके, इससे आपको पहले मैं सिलेक्शन क्राइटेरिया बता देता हूँ। बहुत सिंपल है,
सिलेक्शन ऑफ ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप विल बी ऑन मेरिट विच इज बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय अ कैंडिडेट इन ऑल द एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द सेमिस्टर। इसका मतलब क्या है कि आपका निकाला जाएगा एग्रीगेट सारे सेमिस्टर का। अगर आप जैसे कि ग्रेजुएट हो तो बी बीटेक 4 साल का, तो 8 सेमेस्टर का आपका पकड़ा जाएगा एग्रीगेट। अगर आपका डिप्लोमा है तो आपका पकड़ा जाएगा 6 सेमेस्टर का एग्रीगेट। अगर आपका डिप्लोमा आफ्टर डिप्लोमा आपका डिग्री और डिग्री पे आपने अप्लाई किया तो 6 सेमेस्टर का आगे, तो आपका वो पकड़ा जाएगा मेरिट के लिए। ओके, यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू कोई भी रिटर्न टेस्ट नहीं होने वाला है। लेकिन अगर दो इसकी संभावना है कि दो कैंडिडेट के मार्क्स सेम हो सकते हैं तो जिसका जो ओल्डर होगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ओके, तो ये जो मेरिट लिस्ट है विल बी डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड एट द ऑफिस ऑफ ATC। ओके, आप वहां पे मिल जाएगा एंड इट विल बी अपलोडेड MBPT वेबसाइट mumbaiport.go.in। तो आपको ये मिल जाएगा उनके साइट पे। ओके, मेरिट लिस्ट पूरा लिस्ट कैंडिडेट्स इन अ मेरिट लिस्ट शैल बी कॉल्ड फॉर द डायरेक्टली वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल। आपको लेके जाने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और आपने जो डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, तो इसलिए ध्यान से भेजना डॉक्यूमेंट्स। जो आपने ATC ऑफिस में जो भी डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं वो वेरीफाई होंगे पूरा। ओके, तो डेट ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड सिलेक्शन प्रोसीजर विल बी डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड मुंबई पोर्ट की साइट पे। ओके, सो इफ एप्लीकेंट ऑन द मेरिट लिस्ट विल नॉट रिमेन प्रेजेंट ड्यूली and duly prepare on the specific date of reporting, their candidature will be rejected। तो ये जो merit list लगेंगी उसके आगे जो बंदा होगा next merit में उसको chance दिया जाएगा। okay, तो ऐसा होता है बहुत बार कि किसी का document कम होता है, तो ध्यान से document लेके जाओ। okay, और जो भी wait list तो नहीं बोल सकते लेकिन merit में जो भी लोग हैं वो लोग मतलब एश्योर हो जाए कि उनका भी हो सकता है, अगर किसी का कोई टाइम पे नहीं पहुंच पाया या किसी ने अपॉर्चुनिटी नहीं ग्रैब की या फिर किसी का डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम होगा। ओके, सो सिलेक्टेड कैंडिडेट को तो मेडिकल एग्जामिनेशन में जाना ही होगा और प्रोड्यूस फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम द पोस्ट यस ट्रस्ट हॉस्पिटल उनका। ओके, और इसका ड्यू डेट जैसे मैंने बोला 27 अगस्त तक फॉर्म भेजना है 5 बजे तक। तो ये है उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया, नो इंटरव्यू नो रिटर्न टेस्ट। नेक्स्ट आता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो मैंने आपको बोला। आपको क्या करना है इसमें नहीं भरना है फॉर ऑफिस यूज, आपको यहाँ पे फोटो पेस्ट करना है, ये है उसका फॉर्म। ₹100 आपको क्या करना है NEFT करना है, ऑलरेडी मैंने डिटेल्स आपको दे दी है इसमें। ओके, तो ये लिख के आराम से आपको उसमें NEFT करना है ₹100। ओके, यहाँ पे आपको क्या डालना है ऑनलाइन अप्रेंटिसशिप अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन या एनरोलमेंट नंबर, ये कौन सा नंबर डालना है आपको? आपको डालना है जहां पे आप रजिस्टर करोगे नेट्स में उसका आपका एक आईडी मिलेगा आपको, आपको यहाँ पे वो डालना है, इसलिए यहाँ पे वो साइट भी दी है। ओके, उसके बाद में आपका ब्लॉक लेटर कैपिटल लेटर्स में नाम एज पर योर डिप्लोमा डिग्री और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मार्कशीट वगैरह, डेट ऑफ बर्थ एज। ओके, बाकी सब चीजें तो खैर आपको पता ही है, बताने की जरूरत है नहीं। तो यस, आपको क्या क्या लगेगा डॉक्यूमेंट्स, तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ओके अप्रेंटिस जो जरूरी है, उसके बाद में डिप्लोमा डिग्री मार्कशीट्स लिविंग सर्टिफिकेट UTR रिसिप्ट जो आप ट्रांसफर करोगे अमाउंट, तो NEFT करोगे तो उसका रिसिप्ट, पैन कार्ड आधार कार्ड कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हो, मैरिज सर्टिफिकेट अगर आपका मैरिज हुआ है। ओके, उसके बाद में अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हो तो उसका सर्टिफिकेट इफ यू आर एप्लीकेबल, और ये सारे सर्टिफिकेट आपको साथ में भेजने हैं। ओके, तो ये अप्रेंटिस जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपको वही जो आप नेट्स पे रजिस्टर कर रहे हैं। ओके, ताकि उनको पता चले कि ये एनरोलमेंट आईडी आपका ही है। यस, तो ये सारी चीजें हैं इंपॉर्टेंट चीजें। ओके, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, ये है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ दोज अप्रेंटिसेस ग्रेजुएट और टेक्नीशियन के लिए। ओके, तो बाकी सारे आपको यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स भी अच्छे से डालने क्योंकि आपका मेरिट इस पे लगने वाला है। ओके, और बाकी साइन करके आप भेज दो। ओके, तो बाकी चीजें भी आपको बता देता हूँ मैं, जैसे कि बोला 14 साल और 18 साल के बीच में अगर आप हो और आपका सिलेक्शन हो जाए तो आपके गार्डियन हो गए। यस, उसके बाद में हॉस्टल फैसिलिटीज, कोई भी हॉस्टल फैसिलिटीज नहीं है ड्यूरिंग द ऑन द जॉब ट्रेनिंग ओके पीरियड,
कोई भी आपको हॉस्टल फैसिलिटी नहीं मिलने वाली है, तो यहाँ पे उन्होंने वो मेंशन कर दिया है। उसके बाद में लीव्स, कैजुअल लीव्स CL आपको 12 मिलेगी, मेडिकल लीव्स आपको मिलेगी 15। ओके, एक्सटेंड पीरियड, अगर यहाँ पे एक ऑप्शन दिया उन्होंने एक्सटेंड पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, अगर 12 महीने में नहीं हो पाता, लेकिन कब नहीं हो पाता है, अगर अगर यस ओइंग टू इलनेस और एनी अदर सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड हिज और हर कंट्रोल, जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर ऐसी कुछ चीजें हुई, बीमार वगैरह कुछ हुआ, तो उसको वेरीफाई करके उनका उतना पीरियड बढ़ाया जाएगा, एक्सटेंड किया जाएगा। तो ये भी उन्होंने यहाँ पे दे दिया है, लेकिन ये खैर होता नहीं है, बहुत कम बार होता है। यस, तो ये रहा आपका पूरा अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम जो आपको जिसके लिए अप्लाई करना है, अगर जो भी एलिजिबल है ओके वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यस, बाकी सारी इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि आपको कैसे अप्लाई करना है, ये चीज ध्यान में रखो। आपको अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना है, नेट्स पे रजिस्टर करना है, एंड्रॉइड आईडी आपको वहां पे एक फॉर्म मिलेगा, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला है तो उसका एक फॉर्म मिलेगा। उसके बाद में आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि पे करना है NEFT से। ओके, तो आपका NEFT से आपको क्या करना है, पे करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म ऑफलाइन, और सारे डॉक्यूमेंट्स उसके साथ भेजने हैं। ओके, जैसे मैंने बोला नेट्स पे रजिस्ट्रेशन के बाद देयर आफ्टर टेक प्रिंट ऑफ ऑफ ईमेल कॉपी मेंशनिंग द अप्रेंटिसशिप एनरोलमेंट एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये याद से भरना। ओके, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो आपका जो एडवर्टाइजमेंट का लिंक है, ये उसी में फॉर्म है लास्ट में, तो ये लिंक मैंने शेयर कर दिया डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर सकते हो। और जो भी प्रॉब्लम है, अगर कोई प्रॉब्लम है, तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। ओके, बाकी रिक्रूटमेंट्स भी मैंने अभी ऑलरेडी पोस्ट कर दी है चैनल पे, तो जाके आप चेक करो। और भी रिक्रूटमेंट जो भी आएंगे आपको मैं तुरंत इंटीमेट कर दूंगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट रिक्रूटमेंट्स आपको मिल जाए। हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी आपको ये चैनल पे कोई रिक्रूटमेंट आएगा, तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, सो लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ जो एलिजिबल है, एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।